ये गठबंधन की बात शुरू थी उस दिन मैंने कहा था, आप ही के चैनल पे कहा था कि ये गठबंधन जो है सो मुझे पता नहीं कहीं 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 का रोड़ा वाला गठबंधन कहाँ से चलेगा भाई। ममता जी स्पेस देंगी कांग्रेस को क्या अपने सीपीएम को? कांग्रेस स्पेस देगी क्या सीपीएम को केरल में? अखिलेश जी कांग्रेस को स्पेस देंगे क्या यूपी में? आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली और पंजाब में जो कांग्रेस को स्पेस देगी क्या? जो स्पेस देने की बात ही नहीं है। बजट सत्र को लेकर के क्या उम्मीद लग रहा है इस बार? अंतरिम बजट बजट ये पेश होगा, सरकार बजट पेश करेगी, और क्या लग रहा है इस बार जो उसका थीम रहा है भाजपा का सबका साथ सबका विकास, उस पर काम करेगी या फिर नहीं? भाजपा के मैं दो तीन चीज़ों से तो बहुत ही सहमत हूँ सरकार ने चाहे जो किया हो। एक तो क्या है कि विदेश नीति का मैं कायल हूँ, विदेश नीति बहुत अच्छा चला है, और आज अगर भारत जो है वो विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में अव्वल है, एक नंबर पे है, तो निश्चित रूप से जो नीतियाँ रही होंगी वो अच्छी रही होंगी, आर्थिक नीतियाँ अच्छी रही होंगी, तभी एक इतने बड़े वैश्विक जो महामारी आई थी उसके बाद कई देश जो है अभी निगेटिव ग्रोथ कर रहे हैं, कई देशों में रिसेशन का भय आ गया था, उस मतलब के चारों तरफ जब आग लगी हुई है उसके बीच में यहाँ पर बाहर देखने को मिला। ठीक है बाहर बिहार तक नहीं पहुँचा है, लेकिन जो जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है वो तो रियल है, जो दूसरे राज्यों में तरक्कियाँ हो रही हैं, जो नौकरियाँ मिल रही हैं, जॉब्स मिल रहे हैं, वो तो रियल है। तो निश्चित रूप से जो उनकी आर्थिक नीति है सही दिशा में जा रही है। एक बजट का जो एक दिन घोषणा होता है उसका बहुत महत्व नहीं होता मेरी समझ से, तवज्जो कुछ हम लोग ज़्यादा ही दे देते हैं, वो नीतियों का एक हिस्सा होता है जिस दिन बजट पेश होता है, क्योंकि वो लेखा जोखा होता है, और इस बार तो अल्प समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए है क्योंकि दो महीने बाद ही चुनाव है। तो निश्चित रूप से दो तीन महीने का जो जो हुआ जो अंतरिम बजट होगा इससे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ रखना मेरी समझ से मूर्खता है। ऐसा एक सवाल सामने आ रहा है कि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है वो प्योर बिहारी के अंदाज में दिखी गई, जो बिहारी टिपिकल एक और नारी रहती है उस तरह से दिखी, और महिलाओं के लिए क्या लग रहा है कि कुछ खास होगा? कर रही है, इस दल ने तो किया है, तीन ही तो काम किया है। इस दल का एक खासियत जो है, जब मैं कहता हूँ ना कि कोई भी आप जब जाते हो चुनाव में, चुनावी रण में जाते हो, तो आपके पास दो चीज़ें रहना बहुत ज़रूरी है। एक है चेहरा, फेस, जो मोदी से बड़ा कोई फेस नहीं हो सकता, और दूसरा होता है विमर्श, नैरेटिव। तो उनके पास जो तीन नैरेटिव है उसका किसी के पास काट नहीं है। एक नैरेटिव है नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, अगर ज़्यादा राष्ट्रवादी बात करने लगते हो तो लोग कहते हैं भाजपा कब से हो गए, जैसे लगता है कि भाजपा का मोनोपोली राष्ट्रवाद के ऊपर में, मानसिकता बन चुकी है। हिंदुत्व में भी वही हाल हो गया, दूसरा विमर्श है। पहले बाला साहब ठाकरे के समय शिवसेना थोड़ा बहुत के अच्छा ही हिंदुत्ववादी चेहरा थे वो, लेकिन जब से महाविकास आघाड़ी बना उद्धव ठाकरे वहाँ चले गए, तो वहाँ भी जो पहले डुओपोली या ओलिगोपोली था वो खत्म हो गया, मोनोपोली हो गया। हिंदुत्व के बाद में ज़्यादा अगर टीका वीका लगा के बाहर निकलिएगा तो लोग कहेंगे भाजपा हो गया है, तो हिंदुत्ववाद इस पर उनका मोनोपोली हो गया। और तीसरा जो आपने प्रश्न किया महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए वगैरह वगैरह, भाई 5 किलो अनाज कब से चल रहा है, कब तक चलेगा? इसी तरह से हर घर नल का जल पहुंचाने का संकल्प, हर घर बिजली पहुंचा, हर घर शौचालय पहुंचाने का संकल्प हुआ, आयुष्मान कार्ड बने, मतलब कई योजनाएं जो गरीबों तक तो पहुंचाया गया, विश्वकर्मा योजना बहुत तरह की योजनाएं जो चल रही हैं, ये तो कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो तो एक विमर्श है ना। कोई भी मोदी ने जो किया कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई है और जिस तरह का चला है उसको काटने का विमर्श किसी के पास है ही नहीं है। खाली मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, 3 बार बोल देने से 3 विमर्श थोड़ी हो जाएगा। ये बजट से चुनाव में फायदा बहुत होने वाला है बीजेपी को? नहीं, मैं नहीं समझता कि बजट से या राम मंदिर के निर्माण से फायदा होने वाला है। राम मंदिर के निर्माण ने यह किया कि जो उनके वोटर राम मंदिर के लिए वोट किए थे अब संतुष्ट हो गए कि नहीं भाई पार्टी ने तो वादा पूरा किया, अब आगे भी ज्ञानवापी वगैरह वगैरह पूरा करेगी, इसलिए इनके साथ बने रहना है। तो वहाँ से कंसोलिडेशन हुआ है, मैं नहीं समझता हूँ कि वोट बढ़े हैं उससे। उसी तरह से जो बजट जो है, जैसे खर्चा का लेखा जोखा है, इसे बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। वोटर मोटा मोटी मन बना चुके हैं, अब चुनाव के समय थोड़ा बहुत जरूर मार्जिनल वोट इधर उधर होता है, तो वो तो छोटी घटना घटने पर भी इधर उधर हो जाती है। तो पिछली बार बिहार में पूरा का पूरा वोट मतलब बीजेपी को आप देख रहे हैं? नहीं, मैं बीजेपी को नहीं देख रहा हूँ, मैं मोदी को देख रहा हूँ। मोदी और बीजेपी दोनों अलग अलग हैं? दोनों अलग अलग है। आज मोदी माइनस मोदी कर दीजिए बीजेपी को, बीजेपी दिखेगा नहीं, पूरे इंडिया में बौना हो जाएगा। जैसा भी बिहार की स्थिति हुई वही केंद्र की स्थिति होगी? नहीं, बिहार की स्थिति मैं नहीं बोलूंगा, बिहार में कोई बहुत स्थिति खराब नहीं है बीजेपी की। बीजेपी जो 18-20% वोट पाती थी आज भी उसका है, इससे बड़ी पार्टी कभी थी भी नहीं। अच्छा, विपक्ष को क्या देख रहे हैं? अब जो इंडिया गठबंधन बना, नीतीश कुमार उसके दुल्हा रहे,
अब क्या इंडिया गठबंधन के लोगों में क्या लग रहा है कि वो क्षमता है कि मोदी से? जिस दिन ये गठबंधन की बात शुरू हुई उस दिन मैंने कहा था, आप ही के चैनल पे कहा था कि ये गठबंधन जो है, तो मुझे पता नहीं कहीं 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 का रोड़ा वाला गठबंधन कहाँ से चलेगा भाई। ममता जी स्पेस देंगी कांग्रेस को क्या अपने CPM को? कांग्रेस स्पेस देगी क्या CPM को केरल में? अखिलेश जी कांग्रेस को स्पेस देंगे क्या UP में? आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली और पंजाब में जो कांग्रेस को स्पेस देगी क्या? जो स्पेस देने की बात ही नहीं है तो ये गठबंधन का मतलब क्या हुआ? आप लोग अपना अपना लड़के आइए, अगर BJP को नहीं मिला बहुमत तो आप लोग मिलकर सरकार बना लीजिएगा खिचड़ी जैसे पहले बनाए हुए थे। तो खिचड़ी सरकार बनाने के लिए आपको चुनाव बीतने का इंतजार करना पड़ेगा, उसके पहले कोई गठबंधन बनते हुए मैं नहीं देख रहा हूँ। हाँ, स्थानीय स्तर पर तो गठबंधन हो ही जाते हैं, जैसे यहाँ पर इंडिया नहीं था लेकिन यहाँ महागठबंधन तो पहले से था। उस महागठबंधन में से अब नीतीश जी निकल गए, हो सकता है उधर से टूट के कार लोग आके इधर जुड़ जाए या शायद यही चले। तो ये सब मैंने ये सब क्या ना ट्रांजिएंट कहते हैं, ये सब जो है क्षण गठबंधन है, मौका बीता बात गई। राहुल गांधी भी बिहार आए, धरती हिल रही है, बिहार आ गए, अब बिहार की धरती को हिला कर पहले जहाँ से वो उनके सांसद हैं वो उसी इलाके में वो करे धरती इलाके चले गए भैया, जाने दीजिए ना उनको, आगे बढ़ने दीजिए, धरती हिलाने आए हैं यहाँ पर, बिहार की धरती इलाके चले जाएंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। क्या बात, किसका नाम ले लिया? फसल खराब हो जाती है तो काट के दूसरी फसल लगाई जाती है, उसी फसल को खाद पानी देते रहिए तो उससे फसल थोड़ी ग्रो करने वाला है। कितनी बार राहुल जी को लॉन्च करेंगे, कितनी बार राहुल जी को रिलॉन्च करेंगे, बहुत हो गया। कांग्रेस ने देश को बहुत बड़ा धक्का दिया है, राहुल गांधी को प्रमोट करने के चक्कर में उन्होंने नरेंद्र मोदी को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है, तो बोलते हैं छुट्टा सांड की तरह छोड़ दिया। अलग बात है कि मोदी जी कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी इतनी छूट अगर मिल जाएगी तो कुछ दम आ ही जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे, बहुत समय आपका हम लिए। आपने सुना कि क्या कुछ कहना था। सारण निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय MLC रहे सचिदानंद राय, और जिस तरह से बेबाकी से अपनी बातों को रखे, चाहे वो बात करें सत्ता परिवर्तन की या फिर महागठबंधन की या फिर बजट की, तमाम चीज़ों पर इनसे हमारी बातचीत हुई है। लंबा बात इसलिए किए हैं कि आप अपना ओपिनियन भी ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में जाकर, ताकि आपका भी जो सवाल रहे वो भी हम फिर एक बार फिर से सर से मुलाकात कर सकें। इस खबर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ, धन्यवाद।